हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिहल। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है कि प्रोग्राम लिखना है आपने, इसमें लिखा राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। आपने ये वाला जो पैटर्न है ये आपने प्रिंट करवाना है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके आपने वो प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो दो वेरिएबल्स लिए हैं और दो लूप्स हमने पहले से लेके रखी हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, वो बस यहाँ लॉजिक देखना है कि वो क्या लगेगा जिसके थ्रू ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एक चीज ऐड की, बाकी तो वही है सेम जो आपने पहले भी किया हुआ, प्रिंटर। और यहाँ पर हमने लगा दिया परसेंटेज डी कॉमा, यहाँ लिख दिया आई वेरिएबल, मतलब जो बाहर वाले लूप का वेरिएबल है। आज बाहर वाले लूप में आई है तो वो लिखा गया, कल को कुछ और होगा तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1 होगी। अब आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे आएगा 1 <= 3। या आप पहले इसको चला के भी देखें कि ऐसा आता है कि नहीं आता। तो आप देखें यहाँ पर ये आपके आउटपुट आ रही है 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। सो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 <= 3 ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, j = 1। 1 <= 3 ये भी ट्रू है, अंदर आया। printf percentage i, i में कितना पड़ा है, 1 पड़ा है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j++ किया, j की वैल्यू 2 हुई बट i की वैल्यू 1 ही रही। j की वैल्यू जो है वो 2 हुई, i की वैल्यू 1 ही रही। तो यहाँ पे उसने किया j < 3, तो j में 2 पड़ा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, ट्रू होगी कंडीशन। और अंदर आया, यहाँ पर लिखा printf percentage i, i में कितना पड़ा है, 1 पड़ा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर करेगा j++, 3 कर देगा, 3 = 3 ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, printf percentage i, i में कितना पड़ा, अगेन 1 पड़ा है, 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर करेगा j++, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 < 3 ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, printf percentage, सॉरी ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि i की जो j की वैल्यू वो होगी 4 पे फॉल्स होगा, printf \n, कर्सर बाहर यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, \n मतलब कर्सर 1 यहाँ लास्ट से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे i++ करेगा वो, क्योंकि यहाँ जो अंदर वाली लूप है वो फॉल्स हुई, बाहर वाली फॉल्स अभी नहीं हुई है, तो क्या करेगा i++ करेगा। फिर करेगा i < 3 मतलब 1 अब ++ हो चुका है, तो पहले i 1 था, अब वो 2 हो चुका है, तो करेगा 2 < 3 ट्रू है, कंट्रोल फिर अंदर आएगा, और फिर से वही सिस्टम शुरू होगा कि जे की वैल्यू लास्ट में जो फॉल्स हुई थी जब ये लूप, तो जे की वैल्यू 4 थी, बट जब दोबारा इसको देखेगा यहाँ पर तो जे को फिर से 1 दे देगा। जब जे को फिर से 1 दे देगा तो ये जो लूप है ये फिर से 3 बार चलेगी, बट इस बार आई की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे फिर वो 2 2 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि देखो वैल्यू चेंज यहाँ पे जो हो रही है वो जे की हो रही है, आई की वैल्यू वही रह रही है जब तक वो दोबारा वापस चेंज होकर नहीं आ रही है। फिर ये 3 बार चलेगा, फिर ये इसके जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 < 3 तो नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल सीधा printf \n यहाँ पर बाहर आ जाएगा। फिर करेगा i++, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर करेगा 3 = 3 ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, j की वैल्यू फिर से 1 कर देगा वो फिर से 3 बार चलेगा, बट इस बार i की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 3 3 आ जाएगा। और कर्सर फिर जैसे ही j++ होगा 4 हो जाएगा, 4 पे फॉल्स होकर बाहर, कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, i++ करेगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये भी 4 हो जाएगी, 4 < 3 ये हो गया फॉल्स। जैसे फॉल्स हुआ, कंट्रोल यहां से सीधा बाहर निकल करके यहां आ गया, printf \n ये यहां पे आ गया। तो इस तरह से आप इसको बंद करें, और ये थी आपकी, आपको इस तरह की जो आउटपुट चाहिए कैसे आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वेरी कॉम्प्लीट।